yesterday. मैं अभी निकलता हूँ. डन 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 डन. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल गौरव चौधरी की बहुत ही फ्रेश कमाल शानदार जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार मसालेदार एपिसोड में. और यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो बहुत ही क्रेजी होने वाला है. मैं जाने वाला हूँ अभी किसी स्पेशल जगह पे किसी स्पेशल पर्सन से मिलने. आपके लिए इस वीडियो में होंगी बहुत सारी ज्ञान की बातें. बाकी अगर मजा तो होता ही रहता है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में. चलिए शुरू करते हैं. तो जैसे ही बाहर निकले सबसे पहले मास्क है जरूरी, बिकॉज हम सभी को बचना है कोविड से. और अब बाहर चलते हैं, मैं अपना बाकी सामान लेता हूं बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट सामान था, फिर आपसे बाकी बातें करता हूं. वैसे मैं जब भी यहां पे आता हूं ना मेरे होटल में, ये स्पेस मुझे बहुत सही लगता है. फोटो बहुत अच्छी आती है. मैंने यहां पे एक फोटो पहले क्लिक किया था और आई थिंक ये बहुत ही सही स्पॉट है फोटो क्लिक करने के लिए. अगर आप कभी आए तो इस एलिवेटर के सामने वाली स्पेस का फायदा उठा सकते हैं. तो लाइफ में ऐसा थ्रिल कभी कभी होता है कि हमको गूगल को बीट करने का मौका मिलता है. तो क्या बोलते हैं सर, कर देंगे बीट गूगल को, हो जाएगा? चलो गूगल बोल रहा है 30 मिनट में पहुंचेंगे, मेरे को पहुंचना है 20 मिनट में, बिल्कुल लेट हो गया एक्चुअली. तो गाइस आपको बता दूं कि अभी का पूरा सीन क्या है. राहुल पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तो राहुल को बस इतना बताया कि हम निर्माण भवन जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कहाँ क्या कैसे इतना जल्दबाजी में टाइम नहीं लगा कि मैं आपको बता पाऊँ. तो बेसिकली हम जा रहे हैं, अभी आप भी साथ में सुन लो, हम जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऑफिस जो कि निर्माण भवन में है. और हम जाने वाले हैं मिनिस्ट्री के ऑफिस, वहाँ पे हम जाके मिलेंगे जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल सर से. He comes for the conferences. आपने उनको टीवी पे देखा होगा. हाँ, तो हम जाके लव अग्रवाल सर से मिलने वाले हैं और वहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर अभी करंट, मेरे पास में कुछ सवाल थे और इंडिया का जो फिलहाल करंट सीन चल रहा है कोविड को लेके, जिस तरीके से हमने आज तक इसके अगेंस्ट बैटल पूरी लड़ी है और फिलहाल हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन आपकी होगी दोनों डोज. हाँ, दोनों डोज मेरी भी होगी दोनों डोज. तो बेसिकली जो वैक्सीनेशन का भी पूरा सीन चल रहा है, इसके अलावा अभी अपकमिंग फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, तो मतलब बहुत सारी नो बातें थी. तो मुझे लगा कि क्यों ना हम बात करें और सीधा नो लव अग्रवाल सर हमको अगर एक्सप्लेन करेंगे काफी कुछ बातें तो बहुत सही होगा. तो फिलहाल हम वहीं जा रहे हैं और मेरे ख्याल से कितना ठाकुर सर, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे. गूगल को तो काइंड ऑफ हमने बीट कर ही दिया है. चलो चलते हैं और फिर पहुंचते हैं, फिर बात करते हैं. और बाकी का व्लॉग तो बन रहा है, मजा तो फिर आपको आ ही रहा होगा. एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड. चलो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऑफिस और यहां पे हमारे पास में है जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल सर. मैंने आपको टीवी पे बहुत देखा है और मेरी मदर ने आपको बहुत देखा है. आई मीन हमको याद है वो ब्लू बैकग्राउंड और जो भी आपने सारी बातें बताई हमको. और अभी आपसे मौका मिला सर बात करने का. आई एम श्योर कि जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को काफ़ी छोटी छोटी मगर इम्पॉर्टेंट बातें मालूम चलेंगी और आई थिंक ये हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यू नो इम्पॉर्टेंट होगी आने वाले टाइम में अपने को हेल्दी बनाए रखने के लिए. आई टोटली एग्री. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कोविड का ये पेंडेमिक का समय चल रहा है उस पर हम जो रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग और जो रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस हमें कलेक्टिवली लेनी है उस पर हमारी चर्चा रेगुलर चलती रहनी चाहिए. मैं जब भी आपको सुन रहा हूँ ना, मैं एक्चुअली आपको वो बैकग्राउंड टीवी वाला ही इमेजिन कर रहा हूँ. और अभी गाइज मेरे पास में कुछ सवाल थे जो मैं सर से पूछने वाला हूँ और आई एम श्योर कि ये सवाल आप सबके मन में भी होंगे और जब आपको जवाब मिलेंगे तो आई थिंक आपको भी एक चैन की सांस भी आएगी, साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी होगा. और इवेंचुअली हम सब मिलेंगे अगर तो डेफिनेटली कोविड से लड़ भी लेंगे और आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे. दोस्तों यार मेरी जो मीटिंग थी ना मतलब लव सर के साथ में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और हमने काफ़ी देर तक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बातें करी. यार फिलहाल मैं बस कर रहा हूं कुछ स्निपेट्स उसी मीटिंग के, तो आप इनको देखो और ये हमारे लिए यार बहुत 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 ज्यादा जरूरी बन जाते हैं. एंड आई एम श्योर कि अगर हम मिल के ऐसे ही एक साथ लगे रहे तो कोविड तो बड़े आराम से हम कर लेंगे कवर. बस हम सबको एक साथ डटे रहना है और कोविड से फेस्टिविटीज को सेलिब्रेट भी करना है. दोस्तों फाइनली हमने सारे कैमराज इधर इधर और एक साइड में भी है सब सेट कर लिए हैं और मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली है. सर ऑलवेज प्रिपेयर्ड हैं, डे वन से हमने देखा ही है आपको टीवी पे जो आपने बातें करी हैं. और अभी जो है ना वो मैं एकदम बात कुछ ऐसी करने वाला हूँ जहाँ पे मेरे को लगता है कि यार ये ना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी होगा और मेरी तरफ से बहुत सवाल भी थे. और ये मैं मतलब अच्छा फील कर रहा था जब मुझे मालूम चला कि ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है इस इंटरेक्शन की. तो यहाँ पे कहीं ना ये हम सभी के लिए फ़ायदे की बात है. तो सर पहली बात तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं उसके लिए आई मीन मोस्ट वेलकम और इट्स एन ऑनर टू नो स्पीक टू यू. एंड आई थिंक ये वो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी भी है. तो आई थिंक हम बात कर रहे हैं अच्छी बात है और हम एक अच्छी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. नहीं, हम बहुत रिलेवेंट चीज़ की देश के लिए बहुत रिलेवेंट चीज़ के लिए बात कर रहे हैं. मैं आप सबको थैंक कहना चाहूँगा, आपके द्वारा जो आपके श्रोता हैं वह भी सुने, क्योंकि कोविड का पैंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है. क्या कॉशन हमें लेनी है ताकि हम जो अब तक बचते हैं और फ्यूचर में भी बचते रहें, उसके लिए हमें डिस्कशन की बहुत ज़रूरत है.
सर, जैसा आपने बोला कि अभी पेंडेमिक का ये जो पूरा सीन है ख़त्म नहीं हुआ है, और इसी से मेरा पहला सवाल भी होता है कि हम अक्सर अभी सुन रहे हैं कि थर्ड वेव का एक ऑप्शन या मतलब थर्ड वेव जो है वो शायद आ सकती है, तो अगर ऐसा होता है तो क्या इंडिया रेडी है इसको टैकल करने के लिए? और क्या आप ये मतलब कहेंगे कि क्या ऐसा हो, मतलब इसको लेके सी, मतलब ऑनेस्टली मैं सवाल भी इसलिए नहीं है एकदम एग्जैक्ट फिगर आउट कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये अजम्पशंस भी हैं, हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी सुन ली है कि, तो अभी करेंटली आप क्या इसके बारे में कहेंगे थर्ड वेव को लेके? देखिए, सबसे पहले जो हमें समझने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ ए वेव? वेव इज़ ए पोस्ट फैक्टो एनालिसिस ऑफ प्लॉटिंग केसेस ऑन ए ग्राफ। इशू ये नहीं है कि थर्ड वेव आएगी फोर्थ वेव आएगी, इशू ये है कि किस इंटेंसिटी से वेव आएगी। अब कंसर्न का विषय जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो यह है कि एंटीबॉडीज हमारी बॉडीज में कितनी प्रेजेंट हैं, वायरस का क्या बिहेवियर है इन टर्म्स ऑफ म्यूटेशन, उसके इंटरप्ले पर केसेस बढ़ते हैं घटते हैं, और उस समय पर ज़रूरी है कि हम किसी भी वेव को जब आएगी तब हम उसकी इंटेंसिटी को कैसे मैनेज करें, वो मेरे और आपके हाथ में। आर वी प्रिपेयर्ड एज ए कम्युनिटी? क्योंकि ये इन्फेक्शन डिजीज है, अपने आप नहीं फैलेगा। जी जी जी। तो अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी है वो प्रिकॉशन ले, और कोई आदमी जो इन्फेक्टेड नहीं है वह अपनी रिक्वायर्ड प्रिकॉशन ले, तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना में 63,000 करोड़ रुपीज नेक्स्ट हमारी प्रिपरेशन के लिए सैंक्शन हुए, जिसमें हर जिले में एक इन्फेक्शन डिजीज ब्लॉक बनेगा, तो वह कार्य चल रहा है। लेकिन क्या हम कलेक्टिवली एक ये निर्णय ले सकते हैं कि हम इन्फेक्शन को फैलने ही नहीं देंगे? यह हमारे हाथ में। सर, हमारी जिम्मेदारी से ना एक वर्ड जो बहुत ही सुना है हम सबने, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कैब जिसको हम बोलते हैं। तो ये आई थिंक अगर आप कुछ कुछ ऐसा बस बता दें टू द पॉइंट कि जहाँ पे लोग समझ जाएं कि कैब क्या है, और आई मीन मतलब देखिए उसके लिए जो कार्य हमें करने हैं वो बड़े सिंपल डिफाइंड कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है कि हम हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। जी। दूसरा कार्य, हम अपने बीच में जब हम किसी से इंटरेक्ट करें तो जो 2 गज की दूरी 6 फीट की दूरी बना करके। जी। तीसरा कार्य जो हमें समझना है, कोई छींक आ रही है या कोई स्नीजिंग हो तो हम कैसे अपने आप को उसको हाथों से कवर करें। जी। समय समय पर अपने हाथ को धोते रहें। और पांचवा कंपोनेंट है उसी तरह से जो रेगुलरली टच सर्फेसेज हैं, जैसे डोर नोब हो गई या कुछ हो गई, उसको हम सैनिटाइज और साफ करते रहें। तो मेरी आपसे और आपके द्वारा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कपल्ड विद वैक्सीनेशन इज आर अप्रोच टू मैनेज कोविड-19। हम बात कर रहे हैं फेस्टिवल सीजन की, तो ये जो पूरा मतलब लोगों का थोड़ा सा इसमें केयरलेस होना, और फेस्टिवल टाइम पे क्योंकि हम बात करते हैं गैदरिंग्स की एंड ऑल, तो ये शायद हमारे लिए ज़्यादा क्रिटिकल होगा कि अभी स्पेशली हम जो है वो फॉलो करें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को। गौरव, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, मैं आपके द्वारा फिर सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। हमें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि केसेस कम हो गए हैं तो कोविड का इन्फेक्शन कम हो गया। हम ये मान के चलें कि जब फेस्टिवल सीजन होगा तो, क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, तो यह मान के चलना पड़ेगा कि उस समय पर लोग आपस में एक दूसरे से फैमिली टू फैमिली मिलना चाहते हैं। जी। और साथ में पर्टिकुलरली अगर मैं मान लीजिए किसी और प्रांत में जॉब कर रहा हूँ, मैं वापस अपनी फैमिली में आके वो फंक्शन सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, ये सारी इवेंट हैं, ये सारी फर्टाइल इवेंट्स हैं जिससे कि वायरस फिर से फैल सकता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम थर्ड वेव की जब बात करते हैं या फ्यूचर एक्सपेक्टेड सर्ज की हम बात करते हैं, तो हम कोविड सेफ फेस्टिविटीज को एक मिशन मोड में मनाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब समझें कि कैसे हमारा कोविड सेफ फेस्टिविटीज का 3 महीने का मिशन है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वॉच योर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। अगर हमने इस फेज को 100 डेज का एक मिशन बना लिया जी, कि जो हम अब तक करते हैं उसको हम बिना फटीग के आगे भी करते एक्सटेंड कर लें, बस और 3 महीने, बस 3 महीने और फोकस करें, तो आई एम श्योर कि हम एक एक्सपेक्टेड सर्च को देश से बचा पाए। आई एम श्योर कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी इस बात को समझेंगे भी और आगे स्प्रेड भी करेंगे। लेकिन एक और जो मेजर रोल है कोविड के अगेंस्ट वो है वैक्सीनेशन का, और मुझे इनफैक्ट आई मीन आपको बताते हुए भी काफ़ी खुशी होती है कि जब मैं दुबई में भी देखता हूँ कभी न्यूज़पेपर पे, तो फ्रंट पेज पे बड़ी हेडलाइंस यही आती हैं कि इंडिया किस तरीके से रोज़ाना नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं उनके मन में हल्का सा वैक्सीन को लेके एक ऐसा है कि वो लगवाएं या ना लगवाएं, या वो स्टिल दे आर आई मीन यू नो नॉट डन इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन, तो आप इस पॉइंट पे अपना क्या ओपिनियन रखेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमें सबको कलेक्टिवली समझनी है कि देश में जितनी भी वैक्सीन को परमिशन दी गई है जी, वे सारी वैक्सीन सेफ हैं और
इफिशियंट और एफिकेशियस हैं जी, यानी कि वह हमें कोविड से बचाती है जी। अगर वर्स्ट के सिनेरियो में अगर हमें कोविड भी हो जाता है तो हमें इन्फेक्शन की सीवियरिटी से बचाती है और हमारी रिकवरी टाइम पर हो जाएगी जी। और आज मैं बड़े गर्व के साथ आपको कह सकता हूँ कि जहाँ पहली 10 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज देश में 45 दिन में दी गई, आज हम 11 दिन में 10 करोड़ डोजेज दे पा रहे हैं। अब तो हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। जैसे कि 17 सितंबर को 2.5 करोड़ डोजेज पूरे देश में एक दिन में दी गई, यह इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया है और काफी कंट्रीज की पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा है, काफी कंट्रीज की पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा है जी। आज भी जो एक एवरेज वैक्सीनेशन हम देश में कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट पॉपुलेशन ऑफ हांगकांग। हमें किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कमिटमेंट हमारे देश के हेल्थ वर्कर्स ने दिखाया है जी, हमारी ANM, हमारी आशा, जो देश के रिमोटेस्ट एरिया में कहां पहाड़ों पर चल कर, मैंने वो सब वीडियोस देखी हैं जो कहां नदी को क्रॉस करके जाना जी, जी। तो ये जो एफर्ट है इसको सक्सेसफुल होना है हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। अगर आपने अभी तक नो अपना वैक्सीनेशन नहीं किया है तो अब तो बहुत आसान हो गया है आप, कि आप गूगल पे सर्च करने से लेके या फिर और नो बहुत तरीके हैं कि आप सीधा अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। आई थिंक पहली फुर्सत में आपको ये काम करना चाहिए, बिकॉज ये न सिर्फ आपके लिए, इस सोसाइटी के लिए भी आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है जो कि शायद हम सबको पूरा करना चाहिए। लोगों ने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पीपल आर गोइंग टू दिस काइंड ऑफ यू नो टूरिस्ट लोकेशन, वो मतलब घूम फिर रहे हैं। नहीं देखिए, मेरी रिक्वेस्ट एक रहेगी कि इसेंशियल वर्क रिलेटेड ट्रैवल अगर करना है तो उसको रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस के साथ कीजिए जी। अभी टूरिज्म का टाइम नहीं है, दीज गेन्स आर नॉट टू बी लॉस्ट, हम इसको खोना नहीं है। जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि इसको संजो कर रखना है। तो कोविड सेफ फेस्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, तो आप कुछ अगर पॉइंट दे पाएं कि व्हाट एग्जैक्टली पीपल शुड डू एंड आई मीन वो क्या कर लें तो वो समझें कि भाई हमने हमारी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और जो आप कह रहे हैं वो आपकी बात मान चुके हैं 100 दिनों के लिए। तो पहली बात तो जैसे मैंने आपसे कही 3 महीने का मिशन बना लें हम लोग जी। हम हर एक आदमी प्रण करे कि जैसे फेस्टिवल के समय में हम लोग ट्रैवल करते हैं, इंटरमिंगलिंग करते हैं, पार्टिंग करते हैं, इस बार भी जैसे पिछले साल हम लोगों ने एक संयम बरता था, इस बार भी हम उसी संयम से कार्य करें। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मैं एक प्रांत में रहता हूँ और मैं बिना ट्रैवल करे ऑनलाइन तरीके से अपनी फैमिली से जुड़ सकता हूँ, जिससे मैं भी सेफ हूँ और मेरे घर के बाकी मेंबर्स भी सेफ हैं, पर्टिकुलरली मेरे एल्डर्स भी सेफ हैं, वह कार्य हमें अपनाना है। हमें ऑनलाइन पद्धति से एक दूसरे से जुड़े रहना है। अगर हम फिजिकली भी डिस्टेंट हैं, दिल से कैसे जुड़े रहें उस पे हमें कार्य करना है। इनोवेटिव अप्रोचेस से काम कर सकते हैं जी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें कोई एक सोशल गैदरिंग करनी है, लेट अस डू दैट गैदरिंग ऑनलाइन। सिमिलरली अगर हमारे को लेट अस से कि हम रामलीला देखना चाहते हैं, रामलीला एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकती है, एक पर्टिकुलर जगह पे हो सकती है, रिकॉर्ड हो सकती है, और ऑनलाइन पद्धति से हम लोग उसको अपने घर में सेफ्टी से बैठ के देख सकते हैं जी, जी। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हम जो अभी तक हमने एफर्ट किए हैं उसको हम बचा पाए। अगर किसी ने वीडियो स्किप कर दिया है, कोई अगर सिर्फ यहीं पे आके देख रहा है, तो उसको बस एक लाइन में सारा ज्ञान मिल जाए अगर आप कुछ बोले। मैं फिर से ये कहूँगा, नेक्स्ट 3 महीने बहुत क्रूशियल हैं। हमें वैक्सीनेशन और कोविड सेफ फेस्टिविटीज़ को मिशन मोड में अपनाना है। हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एक नए नॉर्मल के रूप में अपनी लाइफ में समाहित करना, और अगर हम सब कुछ करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा जी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो गाइस, जैसा आपने देखा, हमने वीडियो में आपके लिए कोशिश की कि बहुत यू नो मैं बेहतर आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आ पाऊँ। ऑल कर्टसी टू सर, आई मीन आपने सर थैंक्स, जो सारा कुछ ये यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा नहीं तो बहुत सारे पेपर्स हैं और काफ़ी सारी बातें, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी बन जाता है। एंड आई मीन इट्स प्लेजर कि हम इस वीडियो में एक साथ आ पाए सर अभी, और आई एम श्योर कि फ्यूचर में जब हम 100 करोड़ का मार्क पूरा करेंगे तब एक बार हम वापस से मिलेंगे, और आई थिंक वो हम सभी के लिए एक बहुत ही ऐसा मोमेंट होगा जो मतलब हमारे कंट्री ने कुछ बहुत बेहतर अचीव किया है, इसकी फीलिंग भी होगी और साथ साथ खुशी इस बात की होगी कि हम कोविड के अगेंस्ट जो लड़ाई है इसमें यू नो पूरी ताकत से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू गौरव, एंड इट वॉज अ प्लेजर, एंड आई एम लुकिंग फॉर कोविड सेफ फेस्टिविटीज फ्रॉम ऑल योर फॉलोअर्स। मुझे पता था कि सर और कुछ बोले या ना बोले, ये लाइन जरूर बोलेंगे। Eventually, guys, मैं ना अभी लव सर के साथ में इनके ऑफिस में बैठा हुआ था, और यहाँ पे आप जो है मुझे इतना कुछ बता चुके हैं बेसिकली, पता नहीं मैं शेयर करने के लिए अभी अथोराइज हूँ या नहीं, बट बाय द वे इस कंप्यूटर में एक फोल्डर है जिसका नाम है कोरोना वायरस, और उसमें कोविड से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन है। बाय द वे आपको जो मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों, वो एक बहुत ही कमाल चीज़ है, जो कि ये एक पोर्टल का मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोविन का पब्लिक में अवेलेबल है, खैर मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, लेकिन ये दिखाता है कि कितनी वैक्सीनेशंस अभी हो चुकी हैं, आज कितनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आज अभी करंटली इंडिया में 55,55,900 हो चुकी हैं, नहीं नहीं 56,000 हो चुकी हैं,
55,56,000 मैं जब देखूंगा तो थोड़े दिन 57,000 हो जाएगा। आई मीन एक दिन के हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, आपको ग्राफ दिखाता हूँ, आई मीन जस्ट सी हाउ फास्ट इंडिया इज जस्ट प्रोग्रेसिंग अहेड। और टोटल कंट्री में 88 करोड़, कल होते होते 89 भी हो जाएगा और करते करते फिर ये चीज़ें ऐसी आगे बढ़ती रहेंगी। हैव अ लुक एट दिस डैशबोर्ड और इसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको अपने देश के बारे में अच्छा फील करना हो सिर्फ इसको देखो। और रियल टाइम आई थिंक सर आपने ये काम कभी किया है ऐसा कि आप घर पे बैठे और आपने ऐसे देखा इसको मॉनिटर करके कि क्या चल रहा है ऐसा प्रोग्रेस? नहीं देखिए हमारा तो 24 घंटे का टीम का काम यही है जी। आई मीन बट डेफिनेटली फील्स वेरी पॉजिटिव। और ये देखो 55,62,000 हो चुके हैं बाय द वे, पिछले 30 सेकंड में मैंने बात किया और वो 7-8,000 बढ़ चुके हैं। हैव अ लुक। तो गाइस फाइनली हमारी मीटिंग काफ़ी अच्छी रही और अभी टाइम है निकलने का, कहाँ जा रहे हैं? होटल का, होटल वापस। तो अभी जा रहे हैं वापस होटल और अगेन एज आई सेड एज लव अग्रवाल सर ने बोला कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, कोविड सेफ फेस्टिविटीज़ जो है वो हम सबको अभी दिमाग में रखना है अगले 100 दिनों तक। और अगर हम ऐसा सब कुछ करेंगे तो डेफिनेटली हम जीत लेंगे और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डे जिस दिन इंडिया 100 करोड़ का मार्क पूरा करेगा। आई मीन इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन जो हमने अंदर देखा ना चार्ट भाई, वो क्या चीज़ थी यार, वो हिस्ट्री बनेगा। अरे हिस्ट्री क्या बनेगा, मैं तो वो देख रहा हूँ कि कितना तेज, मतलब आज 55 लाख वो डोज दिखा रहा है, 55 लाख के ऊपर वो हजारों में ऐसे हर सेकेंड हर मिनट नंबर बढ़ता ही जा रहा है यार। मतलब पूरे देश भर में आप सोचो कहाँ कहाँ पे वैक्सीन, उसमें फर्स्ट डोज कितनों का हुआ, सेकंड डोज कितनों का हुआ, कौन से स्टेट में कितना हो चुका है, सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यार ये बहुत अच्छा लगा देख के और मैं अभी होटल पहुँचता हूँ तो आपसे थोड़ा सा और कुछ बातचीत करता हूँ फिर आपसे बातें मिलता हूँ। आज वैसे गाइस जो मौसम है ना ऐसे घटाएं छाई हैं, लग रहा है कि बारिश वारिश भी हो सकती है, काफ़ी ऐसा खुशनुमा सा सीन है बाहर अगर आप देखोगे ना। ये सामने आपको रनवे दिख रहा है, सामने उधर प्लेन्स वगैरह भी खड़े हुए हैं, एक प्लेन से आ रहा है टेक ऑफ के लिए। आई मीन काफ़ी आज ऐसा पकौड़े वाला मौसम हुआ भाई, बेसिकली अपने घर में बैठो बाहर ही मत निकलो, सेफ्टी भी बनाए रखो और चाय पकौड़े खाओ इस मौसम में, आई मीन एकदम बढ़िया वाला सीन है। तो गाइस आई एम श्योर यार कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे में मेरा जो है वो मेन मकसद इसके पीछे यही था कि हम जितने ज़्यादा लोगों तक अभी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके यार वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एज अ सोसाइटी अगर हम इकट्ठे बने रहे, अगर हमने कोविड सेफ फेस्टिविटीज़ को फॉलो किया, अगर हमने अगले 100 दिन जैसे कि बताया था लव सर ने वो बहुत क्रूशियल हैं, अगर वो कंप्लीट कर लिए तो फिर तो हम बड़े आराम से और आगे जो है वो पार पालेंगे कोविड के अगेंस्ट। और इनफैक्ट खुशी इस बात की है कि हम इंडिया में बहुत जल्दी 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ना ये भी कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसको भी हम सेलिब्रेट करेंगे। फिलहाल के लिए उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके, रोज तो कहां बैठा, जब जब मौका मिलता है काफी कमाल वीडियोज लेके आता रहता हूं। फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।